Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير शुरू करो अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें हर तरफ छाई हुई हैं और जिसकी दायमी इनायतें अहले ईमान के लिए हैं। शहंशाह ज़ुल जलाल के मज़ाहिर कायनात, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन तुम में से सबसे अच्छे अमल वाला है, और वही बाइख्तदार है और मग़फ़रत से नवाजने वाला है, जिसने 7 आसमानों को एक के ऊपर एक बनाया और फिज़ा की 7 परतों को भी तह बर तह पैदा किया। तुम रहमान की तख्लीक़ में कहीं कमी बेशी नहीं पाओगे। निगाह बार बार डालो, क्या तुमको कहीं कोई फटन नज़र आती है? फिर देखो और बार बार निगाह डालो, तुम्हारी निगाह थक कर नाकामी की जिल्लत के साथ पलट आएगी और कहीं तुमको कोई झोल, कोई शिगाफ और कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी। وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير شيطان والكافر كأنجام और हमने आसमान दुनिया को चरागों, सितारों और सैयारों से सजा रखा है और उनको शैतानों पर देखते पत्थरों की बारिश का ज़रिया भी बनाया है और उनके लिए हमने भड़कती आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग भी अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है, जो बहुत बुरी जगह है। वो जब इसमें डाले जाएंगे तो उसकी चीखें सुनेंगे और वो उबल रही होगी, गैज़ो गज़ब से फटी जा रही होगी। जब भी उसमें एक भीड़ डाली जाएगी तो उसके दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई आगाह करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, यकीनन हमारे पास आगाह करने वाला आया था, लेकिन हमने झुटलाया और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा है, तुम लोग ही ज़्यादा भटके हुए हो।
और वो कहेंगे काश के हम सुनते और समझते तो हम दो जख़ियों में न होते। वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, लानत इन दो सखियों पर। إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ। خَشْيَةِ إِلَهِي كَ نَتَائِجِ خَيْرٍ। बेशक जो लोग अपने रब की अजमत का एहसास करते हुए डरते हैं जबकि रब सामने नहीं है, उनके लिए मग़फ़रत और बड़े अजर का सामान है। और तुम चाहे छुप कर बात करो या खुल कर, अल्लाह तो दिल की बातों को जानता है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो बड़ा बारीक बीन और बहुत बाखबर है। सूरतुल मुल्क की ये आयात पढ़ी गई, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 14 तक, और बकिया जो आयात करीमा हैं उनका भी तर्जमा पेश कर दिया जाता है। मज़ाहिर कुदरत खुदावंदी वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए हमवार फरमा दिया है, चलो उसके रास्तों पर और अल्लाह का दिया हुआ रिस्क इस्तेमाल करो और उठकर उसी के हुजूर जाना है। ए काफिरों, क्या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो इससे कि वो ज़मीन में तुम्हें धसा दे और ये कि ज़मीन हचकोले लेने लगे, या आसमान वाले का तुम्हें डर नहीं कि वो तुम पर पत्थरों की बारिश कर दे और फिर तुम्हें मालूम हो कि मेरी तंबी कैसी होती है। इनसे पहले भी लोगों ने झुठलाया था तो कैसी थी मेरी सज़ा। क्या ये अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते जो परे के परे जमाए पर खोलते और समेटते फिजा में उड़ते हैं, उनको रहमान ही ने तो फिजा में रोक रखा है, बेशक वो हर चीज़ पर निगाह रखे हुए। क्या ये तुम्हारे जथे रहमान से हटकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। काफिर धोखे में पड़े, क्या वो जो तुम्हें रिस्क दे रहा है अगर अपनी तरफ से रिस्क रोक ले तो तुम्हारे बस में कुछ है। बात यह है कि ये सरकशी नफरत और फिरार पर अड़े हुए हैं। क्या जो शख्स अपने मुंह के बल चल रहा है वो सही रुख पर चल रहा है, या वो जो सीधे रास्ते पर अपने पैरों के बल चल रहा है। कह दीजिए कि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें कान आंखें और दिल दिए, लेकिन तुम शुक्र नहीं अदा करते। इसे कह दीजिए कि वही है जिसने तुमको ज़मीन में फैला रखा है और उसी के पास तुम सबको सिमट कर जाना है। और ये कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। इनको बता दीजिए कि हकीकी इल्म अल्लाह को है और मैं तो साफ साफ आगाह करने वाला हूँ। जब यह अज़ाब को करीब आता देख लेंगे तो इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। उस वक्त कहा जाएगा कि ये है वो अज़ाब जिसका तुम मुतालबा करते थे। और इनसे कह दीजिए कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक सज़ा से कौन बचाएगा। और इनसे कहिए कि वो रहमान है जिस पर हमारा ईमान है और जिस पर हमारा भरोसा है, और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन खुली हुई गुमराही में पड़ा था। और इनसे पूछिए कि अगर तुम्हारा पानी कुओं का चश्मों का नीचे उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए चश्मे जारी करेगा और तुम्हें पानी फराहम करेगा। सूरतुल मुल्क की कुल आयात 30 हैं। इस सूरह का नाम सूरतुल मुल्क है और इस सूरह की पहली आयत में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फरमाया गया है। तो इस पहली आयत के लफ्ज़ अल मुल्क को इस सूरह का नाम करार दे दिया गया है। यह सूरह भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि मक्का मुकर्रमा के इब्तदाई दौर में यह सूरह नाजिल हुई। जो मज़ामीन आम तौर पर मक्की सूरतों में बयान किए गए हैं, अल्लाह का तारुफ कराया गया है, अल्लाह की अजमत और किब्रियाई का बयान किया गया है, आखिरत का जिक्र है, जजा व सज़ा का तस्करा है,
ये वो बुनियादी मौजूआत हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान पाक की उन सूरतों और आयतों में ख़ास तौर पर तज़किरा किया है जो मक्का मुकर्रमा में नाज़िल फरमाई गई। मक्का मुकर्रमा में क़वानीन की तफसीलात नहीं बयान की गई, वहाँ पर तो आयात करीमा नाजिल हो रही थी इसलिए कि बंदों को ईमान के लिए तैयार किया जाए और अल्लाह की मारिफत अता कर दी जाए और ये बता दिया जाए कि तुम इबादत के लिए बंदगी के लिए पैदा किए गए हो और तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम अल्लाह के ममलूक हो, अल्लाह के महकूम हो, अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह ही की तुम्हें इबादत करनी है और बंदगी करनी है। ये हकीकतें उनको बार बार दोहरा दोहरा कर समझाई जाएं और उनके दिलो दिमाग में ईमान की हकीकत को अच्छी तरह से बिठा दिया जाए। तो यहाँ पर ये जो सूरतुल मुल्क नाजिल हुई, अल मुल्क के माने हैं बादशाहत के हैं और ज़ाहिर है कि इस कायनात की बादशाहत अल्लाह की है। इस बात को कुरान पाक की आयात खोल खोल कर बयान करती हैं कि जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक़ है उनमें जो बादशाह बनते हैं, जो बड़े बड़े मनसब पर फायज़ होते हैं, वो चंद दिनों के लिए इस ऐसे मनासिब पर फायज़ होते हैं, फिर मर जाते हैं। पैदा करने वाला अल्लाह है और मारने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, वो ये जो कादर मुतलक है। इसलिए जो बड़े बड़े बादशाह भी रहे हैं वो मरने के लिए रहे, वो इसलिए रहे कि मिटा दिए जाएं, इसलिए कि कुर्सी से उतार दिए जाएं। अल्लाह जब चाहे उनको इज्जत अता फरमाए, जब चाहे उनको जलील कर दे, जब चाहे उनको मनसब दो, जब चाहे मनसब से महरूम कर दो, जब चाहे गिना अता फरमाए, जब चाहे फ़ख्र में मुबतला कर दे। तो इख्तियारात तो अल्लाह के हैं, किसी इंसान के इख्तियारात नहीं हैं, इसलिए कि इंसान का अपने ऊपर इख्तियार नहीं चलता है। वो अल्लाह उसे ऐसा बीमार कर दे कि फिर उस बीमारी की शिफा ना हो तो वो शिफा नहीं कहीं से ला सकता है, उसकी किस्मत ख़राब कर दे तो वो अपनी किस्मत अच्छी नहीं कर सकता है, और अगर उसके बारे में कोई फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से कर दिया जाए तो उस फैसले को वो टाल नहीं सकता है। इसलिए लोगों की निगाह में कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो और कितना ही साहिब इख्तदार क्यों ना हो, वो खुद अपने तई अपने को बेकस और बेबस और मजबूर समझता है। दूर से लोग देखते हैं तो ये समझते हैं कि ये तो सदर जमहूरिया और ये वजीर आजम और ये बादशाह और ये फलां और फलां, लेकिन कोई उसके अंदर की हालत को पूछे तो वो जानता है कि मैं बेबस हूँ, बेकस हूँ, बेहकीकत हूँ और मुझे भी सहारा ही चाहिए, ज़िंदगी का सहारा चाहिए। हर वक्त मौत का खौफ भी रहता है और तबाही का खौफ रहता है और ज़िल्लत का खौफ रहता है। तो इसलिए बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह की है, इस कायनात का मालिक भी वही है और मलिक भी वही है, और इख्तियार और इख्तदार सिर्फ उसके हाथ में है। तो अब उसने कुरान पाक की इन आयात में अपने इख्तदार और अपने इख्तियार अपनी बादशाहत के कुछ मज़ाहिर पेश किए हैं कि ये तुमको जो आसमान सजा हुआ दिखता है सितारों से, सैयारों से, जैसे चमकते चराग रोशन हो, तो ये अल्लाह ही की तख्लीक है और अल्लाह ताला ही ने इनका ऐसा निज़ाम बनाया है कि इतने फासले पर है, इतने फासले पर हैं कि तुमको छोटे छोटे सितारों की शक्ल में और चिरागों की शक्ल में दिखते हैं, और इस दुनिया से भी बड़े हैं, इनका हजम बड़ा, इनकी मसाफत बड़ी, और फिर उनके अंदर क्या क्या है आज तक कोई तहकीक भी नहीं हो सकी है, कोई जानता भी नहीं है कि दूर दराज के करोड़ करोड़ मील कि ये इन सितारों और सैयारों में क्या क्या मौजूद है, कैसी कैसी धातें हैं, कैसे कैसे ख़जाने हैं, क्या इंतज़ामात हैं। बहरहाल इंसान लाइल्म है और इंसान खोज में लगा हुआ है, ज़माने से लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल उसके सारे उसके जो बहस के सिलसिले हैं और खोज और तलाश के सिलसिले हैं
बस उनकी जो मालूमात है वो ज़र्रे बेमकदार जैसी मालूमात है, रेगिस्तान के ज़र्रों की तरह और समंदर के कतरों की तरह की मालूमात है। और फिर ये है कि इंसान को हर चीज़ पर इख्तियार नहीं है, और उसको समझने के लिए सबसे पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि अपनी ज़ात पर इख्तियार नहीं है, इंसान अपनी ज़ात का मुख्तार नहीं। तो फिर वो बज़ाहिर मजाजी तौर पर मुल्क का मुख्तार बनता है या बताया जाता है या इसका प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन वो ख़ुद जब पलंग पर लेटता है, जब रात में सोना चाहता है और नींद नहीं आती है, तब वो ऐसा परेशान होता है कि दवाओं को तलाश करता है कि किसी दवा से नींद आ जाए। तो वो अपनी नींद पर कादिर नहीं, अपनी बेदारी पर कादिर नहीं, और अपनी सेहत की यकसा हालत पर कादिर नहीं। अब यहाँ अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई कि इंसानों को और साथ साथ जिनों का जहाँ तस्करा है वहाँ उनका भी जिक्र फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है एक इम्तिहान के लिए, एक आजमाइश के लिए, एक इब्तिला के लिए। इसलिए नहीं पैदा किया है कि ये वतन है जो उन्हें दे दिया गया है, इसलिए नहीं पैदा किया है कि चंद दिन के वो मज़े लूट लें, इसलिए नहीं पैदा किया है कि बस वो अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा कर लें। असलन अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, उनको दिमाग दिया है, समझ अता फरमाई है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मालूमात के ज़राए अता फरमाए हैं, इन मालूमात को महफूज करने के लिए दिमाग के वो खाने अता फरमाए, वो सिल अता फरमाए हैं जहाँ वो अपनी मालूमात को महफूज कर सकते हैं। ये सब इसलिए किया है, ये ख़ास इम्तियाज़ इंसान को जो अता फरमाया है वो इसलिए कि उसका इम्तिहान होना है, उसकी जाँच होना है। और ये जांच उसकी जब से उसका शऊर बेदार होता है जांच शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जब वो बालिग करार दिया जाता है तो अब फिर वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार करार दे दिया जाता है, और वो अल्लाह ताला के आकाम का मुखातब होता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी हुक्म दिया जा रहा है वो उसको पूरा करे, और वो ये समझे कि मेरा कोई मालिक है, मेरा कोई खालिक है, मेरा कोई पैदा करने वाला है, और वही मुझे मौत देने वाला है। तो ये फरमाया कि इस मकसद की खातिर अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है, यानी सिर्फ ज़िंदगी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वजूद अता किया गया है, मौत का भी एक वजूद है। मौत सिर्फ अदम का नाम नहीं है कि एक चीज़ मिट गई, ख़त्म हो गई। जिस तरह ज़िंदगी ये है कि इंसान के जुर्सूमे में और इंसान के जनीन में एक ख़ास किस्म की रूह डाली जाती है, जिसकी बुनियाद पर इंसान को अक्ल अता होती है, समझ अता होती है, सलाहियत फ़िक्र की अता होती है। जिस तरह इंसान के जिस्म को तमाम जानदारों से मुमताज़ बनाया जाता है और तमाम जानदारों पर, बल्कि जमादात और नबातात और हैवानात पर इख्तियार और इख्तदार अता किया जाता है, जैसे ज़िंदगी एक वजूद है वैसे ही इंसान की रूह को उसके धड़ से जुदा किया जाता है। ये अमल इंतकाल का होता है, इंतकाल के माने किसी जगह से मुंतकिल करना, किसी जगह से अलग करना, किसी वजूद से अलग करना। तो वो ज़िंदगी जो दी गई थी रहम मादर में, वो रूह ख़ास तौर पर जो अता की गई थी उसको अलग किया जाता है। तो इस तरह से इंसान के उस धड़ से जिसको जितनी भी मुद्दत अल्लाह ने चाही अता फरमाई, किसी का इंतकाल बचपन में होता है, उसके माँ बाप कितनी तमन्ना करें कि ये अच्छा जवान हो, उनकी तमन्नाओं से कोई जीता नहीं है। और हट्टा कट्टा जवान रुख्सत होता है तो जो भी मोहब्बत करने वाले हैं उनकी तमन्नाओं, उनके इरादों, उनकी चाहत की बुनियाद पर, ऐसा नहीं होता है कि उसकी जवानी बरकरार रहे यहाँ तक कि वह आगे चल कर अधेड़ उम्र को पहुँचे। और कोई अधेड़ उम्र में है और बिल्कुल सारे इंतजामात संभाले हुए हैं, वो रुख्सत होता है, सुबह शाम ये वाकयात होते हैं। तो अब कोई ये चाहे कि ये और दसियों साल जिंदा रहे और बुढ़ापे की लंबी उम्र पूरी करे, इख्तियार नहीं। ये इख्तियार ना माँ बाप को है अपने बेटे के सिलसिले में, ना बेटों को है अपने बाप के सिलसिले में, माँ के सिलसिले में, ना शौहर को है अपनी बीवी के सिलसिले में, ना बीवी को है अपने शौहर के सिलसिले में। सभी ये देख रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं। अगर इख्तियारात होते तो
तो हर शख्स मालिक होता, हर शख्स गनी होता, हर शख्स ज़हीन होता, हर शख्स आला मनसब पर होता, हर शख्स तरक्की याफ्ता होता, हर शख्स की बहुत औलाद होती और हर उसकी औलाद अच्छी हालत में होती, हर शख्स सेहतमंद होता अगर इख्तियार होता तो। दुनिया ऐसी ना होती जैसी है कि करोड़ा करोड़ इंसान भूख से मर रहे हैं और करोड़ा करोड़ इंसान बेरोजगार है, करोड़ा करोड़ इंसान बदसूरत है। तो मालूम यह हुआ कि उनका इख्तियार नहीं चल रहा है और ना उनके बड़ों का इख्तियार चल रहा है। तो बेइख्तियारी और बेकसी और बेबसी हर हर लम्हा इंसान की ज़िंदगी से जाहिर है। तो वो अल्लाह जो ज़िंदगी अता करता है, वो अल्लाह जिसने रूह जिस्म में डाली है, वही अल्लाह जिस वक्त चाहता है उस रूह को जिस्म से जुदा करता है। तो जिस्म से रूह की जुदाएगी का नाम मौत है। मौत का मतलब ये नहीं है कि असल हयात ख़त्म हो गई, असल हयात रूह के साथ वाबस्ता है और ये असल हयात बाकी है, इसने जिस्म से जुदाई इख्तियार की है। अमल जो हुआ है वो इंतकाल का हुआ है और इंतकाल के माने ये होते हैं जुदाई हुई है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। तो कौन मुंतकिल हो गया? वो इंसान जो घर पर रह रहा था उसको मजबूर होकर लोगों ने कब्र में डाला या उसको आग के हवाले कर दिया, ये तो जिस्म का हाल हुआ और ये इंसानों की मजबूरी हुई। कौन ये चाहता था कि वो आग के हवाले कर दे किसी उस इंसान को जिसके साथ सब बैठते थे, उठते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे? अगर इख्तियार चलता लोगों का किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत के बारे में तो उसको किसी न किसी हाल में अपने साथ रखते, उठते, उठाते, बिठाते। लेकिन वो जानते हैं कि जो जान देने वाला था, जब उसका ऑर्डर हुआ जान लेने का, तो अब ये धड़ जो है उसी जान से इसमें तरावट थी, उसी जान से आंखों में रोशनी थी, उसी जान से दिल में धड़कन थी। जब वो जान जुदा कर दी गई और वो मुंतकिल हो गई तो अब उसके बाद ये धड़ अब सड़ेगा, अब ये अगर ये धड़ जो है गल जाएगा, अब इसको कीड़े लग जाएंगे और इसीलिए घर से अब इसको निकालना है, ये मजबूरी है। बाप हो या दादा हो या बेटा हो या कोई हो, उसे निकालना है, मिट्टी में डालना है। और ये बताया गया कि इसी मिट्टी से पैदा किया गया था, इसी मिट्टी में डाला जाएगा, इसी मिट्टी से फिर पैदा किया जाएगा। इस अकीदे की बुनियाद पर यह अमल किया जा रहा है। किसी के जहन में ये है कि आग है वो भी देवता है, उसके हवाले कर दो और इस जिस्म को जब फना ही करना है तो राख बना दो। कोई ये समझ रहा है, जाहिर है कि वो जब ये समझ रहा है तो इस दुनिया में गोया जहन्नम के हवाले कर रहा है। और दूसरा जो है वो इस अकीदे की बुनियाद पर, ये अकीदा ना होता तो मालूम नहीं क्या करता कि इस मिट्टी से हमने पैदा किया, इसी मिट्टी में डालेंगे, इसी मिट्टी से निकालेंगे। कुरान में जो बात कही गई उस बात पर अमल किया जा रहा है कि कब्र में डाला जा रहा है। तो बहरहाल मालूम ये हुआ कि ये जो इंसान का धड़ है ये असल नहीं है, ये बाकी नहीं रहेगा। तो अब कौन सी चीज है जो डाली गई तो जान वजूद में आई और सारे आज़ा काम करने लगे, और कौन सी वो चीज़ है जो निकाली गई? उसी को रूह कहा गया, उसी को जान कहा गया, कहीं उसी को नफ्स कहा गया, बल्कि उसको मुंतकिल कर दिया गया। अब कुरान ये भी बताता है कि जो ईमान वाले हैं उनकी रूह इल्लीयीन में जाती, बहुत बुलंदियों पर एक जगह उसको ले जाया जाता है जहाँ रूहों का इज्तिमा होता है। और जो मुनाफिक है और काफिर है उसकी रूह को सिज्जीन में ले जाया जाता है, जो बहुत ही पस्ती के मकाम पर एक कैद खाना है, एक जेल है, वहाँ पहुँचाया जाता है। तो अब जो बात इरशाद फरमाई जा रही है सूरतुल मुल्क में कि अल्लाह ने जिंदगी भी पैदा की, मौत भी पैदा की, तो मालूम ये हुआ कि मौत अदम का नाम नहीं है, मौत एक हकीकत है, जैसे हयात एक हकीकत है। और मौत जो है जो एक हकीकत है, इस मौत को अल्लाह ताला आलम महशर में मौत दे देगा,
यानी मौत को एक हदीस में ये बात इरशाद फरमाई गई कि एक मेढे की शक्ल में ला के ज़बह कर दिया जाएगा, यानी उस वक्त इसी इस हकीकत को एक तमसाली एक मिसाली शक्ल दी जाएगी और उसे दिखाकर ज़बह किया जाएगा कि मौत का ख़ात्मा किया जा रहा है। मौत जो एक अम्र वाक़या है, अब मौत नहीं आएगी। जो जन्नत में गया हमेशा के लिए गया, जो दोज़ख में गया हमेशा के लिए गया, या दोज़ख में गया और उसे दोज़ख से निकाल कर फिर जन्नत में लाया जाएगा, या आराफ में उसको पहुंचाया गया और वहां से फिर उसको जन्नत मुंतकिल किया जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि बहरहाल अब मौत नहीं आएगी। एक तो इस हकीकत का इजहार है, दूसरे कुरान पाक में बार बार जिक्र सात आसमानों का है और सात परतों का भी, यानी जब आसमान का लफ्ज बोला जाता है, समा का लफ्ज बोला जाता है, तो समा से वो आसमान भी मुराद होता है जिसको हम नहीं देखते, ना देख सकते, और बुलंदी मुराद होती है। लिहाजा जब ये कहा जाता है कि हमने बारिश आसमान से बरसाई, तो मुराद होता है बादलों से बरसाई। और बादल क्योंकि बुलंदी पर होते हैं, तो ये बुलंदी जो बादलों की है इसको भी आसमान कहते हैं। यानी आसमान उर्दू में तर्जुमा जो किया जाता है वो सही नहीं होता है, बुलंदी तर्जुमा करना चाहिए कि बारिश हमने बुलंदी से बरसाई और एक खास खास बुलंदी से बारिश बरसती है। तो बहरहाल बुलंदियों के लिए लफ्ज़ समावात इस्तेमाल किया जाता है और ये फरमाया जा रहा है कि तुम जो देखते हो फिज़ा, जो फिज़ा देखते हो, जो एक नीलगूं छतरी देखते हो, कहीं पर तुम्हें इसमें कोई फटन दिख रही है, कहीं पर तुमको दड़ाड़ दिख रही है, कहीं तुमको कोई शिगाफ दिख रहा है, कैसी ये छत है जो फैली हुई है। जाहिर की हद निगाह है, लेकिन जो कुछ भी है वो किस तरह से साया फिगन है, या कैसी छत है जो पड़ी हुई है जिसमें कहीं कोई शिगाफ तुमको नहीं दिख सकता है। कि अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, फिज़ा का जो निज़ाम बनाया है, और जो इस कुरे अर्जी के ऊपर लेयर्स बनाई हैं, और जो फिर उनके ऊपर जो बुलंदियों का निज़ाम है, और वो बुलंदियाँ तो बर तो हैं, यहाँ तक के फिर सूरज और चाँद और दीगर सितारों और सैारों से बुलंदियाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि फिर वो आसमान के जिसमें दरवाजे हैं और जिनमें दाखला होता है, वो जैसे इस दुनिया के किसी किले में कोई शख्स जाए और वो दरवाजे से अंदर दाखिल हो। आसमानों के बारे में भी ये बात इरशाद फरमाई गई है। अब जाहिर है कि हम आसमानों को देख रहे हैं और उनके दरवाज़ों को देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये वो बुलंदियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने इस कुरे अर्जी के ऊपर कायम फरमाई है, उनका तस्करा फरमाया गया है। और ये साथ साथ ये बात है कि हमने कितना मुजयन बनाया है, यानी जब रात के सन्नाटे में इंसान देखता है इस नीलगू फिज़ा को और उसके नीचे लगता है कि तारे टके हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है जिसको इंसान देखकर हैरान होता है। साथ साथ ये भी फरमाया गया कि हम सितारों और सैारों, दहकते सितारों और सैारों की जो चिंगारियां हैं, जो चट्टानों की तरह होती हैं, उनसे उन शैतानों को मारते भी हैं। यानी जो चिंगारियां निकलती हैं और बेशुमार करोड़ करोड़ निकलती हैं, उनकी बारिश होती है, उस फिज़ा में उनकी बारिश होती है जिस फिज़ा के करीब जिन और शैतान जाना चाहते हैं, लेकिन वो करीब नहीं जा सकते क्योंकि उस बारिश से वो झुलस जाते हैं, इसलिए वो उसके बहुत नीचे ही फिर रह सकते हैं। और इस दुनिया की भी हिफाजत मकसूद है जिस पर इंसान बसे हुए हैं, जानदार बसे हुए हैं, कि अगर वो बारिश जो चिंगारों की और जो अंगारों की बारिश है वो यहाँ तक आ जाए, अगर फिज़ा में वो तैरती न रहे, और फिज़ा भी वो जो करोड़ों मील दूर की फिज़ा है, अगर ऐसा ना हो और इस दुनिया पर वो बारिश हो जाए, तो फिर यहाँ तो सिवाय मौत के और कुछ बाकी नहीं रहेगा, पूरी दुनिया तहस नहस हो के रह जाएगी। तो उस अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है इस दुनिया पर, जब तक इंसानों को बसाना है उस वक्त तक उनके लिए हिफाजत के इंतजाम
किए गए हैं। और फिर ये फरमाया जा रहा है कि एक वक्त आना है कि जो भी काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, मुनकिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नबियों को नहीं मानता, जो आखिरत को नहीं मानता था, उसे वहाँ हाजिर होना है जहाँ पर हिसाब होगा और जजा और सजा के फैसले होंगे। उस वक्त जब उससे सवाल किया जाएगा कि तू कहाँ था, तेरे पास कोई हिदायत नहीं आई, तो उस वक्त तो मानेगा कि हाँ हिदायत तो आई थी लेकिन हमने माना नहीं। तो भड़कती जहन्नम भी उसका ठिकाना हो। और जब ये बात फरमाई गई कि ऐसे लोगों के लिए फिर भड़कती आग ठिकाना है, तो साथ ही साथ दूसरा जो रुख है वो भी पेश कर दिया गया कि जिन लोगों का हाल ये है कि वो अपने परवरदिगार से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी तरफ इनाबत रखते हैं, तौबा करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उनके दिलों में खशियत होती है, अल्लाह का खौफ रहता है, अल्लाह को नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला की निशानियाँ हर तरफ देख रहे हैं, खुद अपनी ज़ात के अंदर देख रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनके अंदर खशियत इलाही है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत से भी नवाजेगा और बहुत बड़े अजर से उनको नवाजा जाएगा। और ये बात इरशाद फरमाई गई कि तुम अपनी बात खोल कर कहो या दिल के अंदर छुपा के रखो, अल्लाह से कोई बात भी मख्फी नहीं है, उसको मालूम है, तुम्हारे अंदर के राज भी मालूम है, और वही तो खालिक है, उसी ने तो तुम्हारा दिमाग बनाया, दिमाग के सेल बनाए, तुम्हारी पूरी मशीन उसी ने बनाई, तो वो वाकिफ़ नहीं है कि इन सेल्स में क्या है, वो वाकिफ़ नहीं है कि इस दिल के अंदर क्या छुपाया गया। ज़ाहिर है कि उसका इल्म ऐसा है कि तमाम राजों पर मुहीत है, और उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया है, और वही है जिसने परिंदों को फिज़ा में उड़ना सिखाया है, और फिज़ा ऐसी बनाई है कि वो इस फिज़ा में उड़ते हैं, अपने पर फैलाते हैं और समेटते हैं, फासले भी तय करते हैं, और फिर जब चाहते हैं वो ज़मीन पर उतरते हैं। ये जो फिज़ा के अंदर सलाहियतें रखी गई हैं, और फिर परिंदों के अंदर जो सलाहियत रखी गई है, किसने रखी है? क्या कोई इंसान है जिसने इन परिंदों को बनाया है? ज़ाहिर है कि वो अल्लाह है जिसने परिंद को, चरिंद को, दरिंद को, सबको उसी ने बनाया है। हर मखलूक अल्लाह ताला की तख्लीक है, इसलिए एक बंदे का काम यह है कि वो अल्लाह की तख्लीकात को तस्लीम भी न करे, बल्कि ये समझते हुए कि निशानियां हैं ये अल्लाह की, उन पर गौर करे, तदब्बुर करे, और उनके ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हासिल करे। जो भी ऐसा करेगा उसके लिए अल्लाह के यहाँ अजर है, उसको नवाजा जाएगा, उसको इन नेमतें दी जाएंगी, और जो ऐसा नहीं करेगा, गाफिलाना ज़िंदगी गुजारेगा, मुनकराना रवैया इख्तियार करेगा, तो अपने को सिर्फ तबाही कर सकता है, वो ज़ाहिर है कि अल्लाह के यहाँ किसी इज्जत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी अब्दियत, अपनी इबादत और उबूदियत की हकीकत भी हमें अता फरमाए, और अपनी मारिफत नसीब फरमाए, और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने अंबियाए किराम को समझने और उनकी दावत को कबूल करने और ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।